नमः संस्कृताय। कक्षा 8 के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में रुचिरा पाठ पुस्तक 9वां पाठ पाठ का सरलार्थ हिंदी अनुवाद पढ़ाने चल रहा हूँ। पुस्तक आप अपनी सामने खोल लीजिए और एक एक शब्द को बेहतर ढंग से देखिए और उसका आशय समझिए। सप्त भगिन्या पाठ है, 7 बहनें। सप्त भगिनी यह एक उपनाम है। उत्तर पूर्व के 7 राज्य विशेष को यह उपाधि दी गई है। इन राज्यों का प्राकृतिक सौंदर्य अत्यंत विलक्षण है। इन्हीं के सांस्कृतिक और सामाजिक वैशिष्ट्य को ध्यान में रखकर प्रस्तुत पाठ का सृजन किया गया है। शुरू करते हैं। अध्यापिका। सुप्रभातम। सुप्रभातम, शुभ प्रभात। सुबह आपकी शुभ हो, कल्याणकारी हो। सुप्रभातम, सुबह आपकी मंगलमयी हो। छात्रा। सुप्रभातम। सुप्रभातम, आपकी सुबह शुभ हो, आपकी सुबह शुभ हो। यही है सुप्रभातम, कल्याणकारी हो, प्रभात आपका। अध्यापिका। भवतु, ठीक है। अद्य किम पठनीयम्, आज क्या पढ़ाया जाए या आज क्या पढ़ना है। अद्य किम पठनीयम्, क्लास में जब शिक्षक पहुंचते हैं, सर जी पहुंचते हैं, तो यही पहले पूछते हैं कि आज क्या पढ़ाएं। तो ऐसे वो भी पूछ रही है अध्यापिका। भवतु, ठीक है। अद्य किम पठनीयम्, आज क्या पढ़ना है। जो विद्यार्थी कहेंगे वही तो टीचर पढ़ाएगा। तो छात्र कहते हैं कि वयम सर्वे स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम् इच्छामः। वयम सर्वे, हम सब अपने देश के राज्य के विषय में जानना चाहते हैं। जो विद्यार्थी पढ़ने वाले हैं वो तो पूछेंगे, सर जी मैं ये पढ़ना चाहता हूँ। अब बहुत से विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं, उनको पता नहीं कौन सा पाठ पढ़ना है। तो विद्यार्थी अच्छे हैं, वो इच्छा व्यक्त कर रहे हैं कि आज यह पाठ मुझे पढ़ना है। वयम सर्वे स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम् इच्छामः, आज मुझे हम सबको अपने देश के राज्य के विषय में पढ़ना है, यानी हम सब अपने राज्य के विषय में पढ़ना चाहते हैं। इच्छामा, चाहते हैं। ज्ञातुम, जानना। अध्यापिका। शोभनम, अति सुंदर। वदत, बताओ। अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति, हमारे देश में कितने राज्य हैं। सायरा। सायरा बोलती है, चतुर्विंशतिः महोदय, हे महोदया 24 राज्य हैं। सिल्ली, नहीं नहीं महाभागे, पंचविंशतिः राज्यानि सन्ति, नहीं नहीं महोदया 25 राज्य हैं, 24 नहीं हैं। अध्यापिका। अन्यः कोऽपि, और कोई। स्वरा, मध्ये एव, बीच में ही। महोदय, हे महाभागा, हे महोदया, मे भगिनी कथयति यत अस्माकं, मेरी बहन कहती है कि अस्माकं देशे, हमारे देश में 28 राज्यान् सन्, हमारे देश में 28 राज्य हैं। एतत् अतिरिंच 7 केंद्र शासित प्रदेशा अपि सन्ति, इसके अतिरिक्त 7 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। अध्यापिका सम्यक जानाति, भली भांत जानती है ते भगिनी, तुम्हारी बहन। भवतु, ठीक है। अभी जानी थी यूयम यत, तुम लोग यह भी जानते हो कि तेषु राज्येषु 7 राज्यानां एकः समावायो अस्ति, उन राज्यों में 7 राज्यों का एक समूह है। यह सप्त भगिन्यः इति नाम्ना प्रथितो अस्ति, जो 7 बहन, 7 बहन, यह सप्त भगिन्यः, जो 7 बहन, इति नाम्ना, इस नाम से प्रथितो अस्ति, प्रसिद्ध है।
जब अध्यापिका यह कहती है तो बच्चों के मन में जिज्ञासा होती है। सर्वे साश्चर्यं परस्परं पश्यन्तः सप्त भगिन्यः सर्वे सभी लोग साश्चर्यं परस्परं पश्यन्तः बड़े ही आश्चर्य के साथ एक दूसरे को देखते हैं। सप्त भगिन्यः सात बहने निकोलस इमान राज्यानि सप्त भगिन्यः इति किमर्थम कथ्यन्ते। इमान राज्यानि सात भगिन्यः ए राज सात बहने यह कैसे कहा गया है, किमर्थम क्यों कथ्यन्ते कहा गया है, इन राज्यों को सात बहने क्यों कहा गया है। अध्यापिका, प्रयोगो अयम प्रतीकात्मको वर्तते, इसका प्रयोग प्रतीकात्मक है। प्रयोगो अयम प्रतीकात्मको वर्तते, इसका प्रयोग प्रतीकात्मक है। कदाचित सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्याद इमानि उक्तोपाधिना प्रथितानि, कदाचित कभी सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्यों को सम्याद मिला करके साम्याद माने समानता के कारण, सांस्कृतिक और सामाजिक परिदृश्यों की समानता के कारण इमानि उक्त उपाधिना, ए ऊपर कही गई उपाधि से प्रसिद्ध हो गए राज्य, उक्त ऊपर कही गई उपाधि से प्रसिद्ध हो गए सप्त भगिन्यः। समीक्षा कौतूहलम में न खलु शांतिम गच्छति, मेरी जिज्ञासा शांत नहीं होती है। श्रावयतु तावत तो बताओ यत की कानी तानी राज्यानि, वे कौन कौन राज्य हैं। अध्यापिका सुनोतु, अध्यापिका कहती है सुनो, अद्वयम् अत्रयम् चैव न त्रियुक्तं तथा द्वयम् सप्तराज्य समूहोऽयम् भगिनी सप्तकम् मतम्। अद्वयम् अत्रयम् चैव न त्रियुक्तं तथा द्वयम् सप्तराज्य समूहोऽयम् भगिनी सप्तकम् मतम्। अद्वयम् आसे दो मासे तीन च न त्रियुक्तं और न और त्रि, ना त्रि से तथा द्वयम् दो ना और त्रि से सप्त राज्य समूहोऽयम् सात राज्यों के समूह को भगिनी सप्तकम् मतम् सात बहिन कहा गया है। इत्थम इस प्रकार भगिनी सप्तके इमान राज्यानि सन्ति, सात बहनों का ये राज्य है। देखिए आसे तो है अरुणाचल प्रदेश असम, मत्रयम मास तीन है मणिपुरम मिजोरम मेघालय, ना और त्रि ना से है नागालैंड, त्रि से है त्रिपुरा, तथा द्वयम ये दो हैं त्रिपुरा और नागालैंड, दो हो गए, दो आ से हो गया अरुणाचल असम, तीन मा से हो गया मत्रयम, तीन मा से हो गया मणिपुर मिजोरम मेघालय। यद्यपि क्षेत्र परिमाण इमान लघुनि वर्तन्ते, यद्यपि क्षेत्र के परिमाण से छोटे छोटे हैं तथापि गुण गौरव दृष्टिया बिहत्तराण प्रतीयन्ते, फिर भी गुण और गौरव के दृष्टि से बहुत महान हैं, बहुत बड़े हैं। सर्वे कथम कैसे अध्यापिका इमान सप्त भगिन्या स्वीय प्राचीन इतिहासे प्रायः स्वाधीना एव दृष्टा, ये सात बहनें हमारे प्राचीन इतिहास में प्रायः स्वतंत्र ही दिखाई देती हैं। न केन आपि शासकेन इमाः स्वायत्ति कृता, कोई भी शासक इनको अपने अधिकार में नहीं दिया है, इनके ऊपर अधिकार नहीं किया है। स्वायत्ति कृता इमाः, न कोई भी शासक इनके ऊपर अधिकार नहीं किया है। अनेक संस्कृत विशिष्टायां भारत भूमो एतेषां भागिनां संस्कृति महत्वाधीयति इति, अनेक संस्कृत विशिष्टता से विशिष्ट भारत भूमि में ये सातों बहने सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तन्वी कहती है अयम शब्द सर्वप्रथम कदा प्रयुक्त, यह शब्द सर्वप्रथम कहाँ प्रयुक्त हुआ। अध्यापिका कहती है श्रुतम मधुरम शब्दो अयम सर्वप्रथम विगत शताब्दस्य पिछली शताब्दी, यह सुंदर मधुर सर्व शब्द सबसे पहले पिछली शताब्दी अर्थात 1900 में उन्नीस सौ बहत्तर में त्रिपुरा राज्य उद्घाटन क्रमें त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन के समय केना प्रवर्तिता किसी के द्वारा प्रयोग किया गया
अस्मिन् एव काले एतासां राज्यानां पुनः संगठनं विहितं। अस्मिन् एव काले इस समय भी इन राज्यों का पुनः संगठन किया गया है। स्वरा कहती है अन्यत किमं वैशिष्ट्यम् एतेषां, इनका और इनकी और क्या विशेषता है, एतेषां इनकी और क्या विशेषता है। चलिए देखते हैं क्या विशेषता है। अध्यापिका नूनम अस्ति एव, नूनम अस्ति एव, निश्चित ही पर्वत वृक्ष पुष्प प्रभृति भी प्राकृति समृद्धि सुसमृद्धानि सन्ति इमानि राज्यानि। पर्वत वृक्ष पुष्प आदि प्राकृतिक समृद्धि से परिपूर्ण है ये राज्य। भारत वृक्षे च पुष्प अस्तबक सदिशाने विराजन्ते एतान, भारत वृक्षे च और भारत रूपी वृक्ष के ऊपर पुष्प अस्तबक सदृशान, अस्तबक का अर्थ है गुच्छा, पुष्प के गुच्छे के समान विराजन्ते एतान, ये सुशोभित होते हैं। राजीव कहता है भवतु ठीक है, गृहे यथा सर्वाधिकारम्या मनोरमा च भगनी भवती, घर में जैसे सबसे अधिक मनोहर सबसे अधिक सुंदर मनोरम सात बहने रहती हों, भवती अच्छा गृहे तथा यथा, घर में जैसे सर्वाधिका रम्या सबसे अधिक रमणी माने सबसे अधिक सुंदर मनोरम मन को अच्छी लगने वाली बहने आपस में मिलजुल करके रहती हों, तथैव भारत गृहे अपि वैसे भारत के घर में भी सर्वाधिका रम्या सबको अच्छी लगने वाली इमाह सप्त भगिन्यः सन्ति, ये सात बहने हैं। अध्यापिका कहती है मनस्यागता, तुम भली भांत समझ गए, मनस्यागता समझ गए ते इमं भावनया परम कल्याणमयी परम सर्वे न तथा अवगच्छन्ति, तुम्हारी यह भावना परम कल्याणकारी है लेकिन सब ऐसा नहीं समझते हैं। अस्तु ठीक है, अस्ति तावत् एषां विषये किंचित् वैशिष्टम् अपि कथनीयम्। अस्तु ठीक है, अस्ति तावत् एषां विषये, तावत् एषां विषये, अब उनके विषय में कश्चित वैशिष्ट्यम अपि कथनीयम, कुछ और विशेषता को कहना चाहिए। सावहित सावहित मनसा श्रेणुत, सावधान मन से सुनो, जनजाति बाहुल प्रदेशो अयम, यह प्रदेश जनजातियों की बाहुल्यता से युक्त है, यहाँ अनेकों जनजातियाँ हैं, गारो जो बनवासी जातियाँ हैं कोल भिल्ल आज की जनजातियाँ यहाँ बहुत पाई जाती हैं, गारो खांसी नगा मिजो प्रभृतयः बहवः जनजातियाः अत्र निवसन्ति, गारो खांसी नगा मिजो आदि बहुत सी जनजातियाँ यहाँ निवास करती हैं। शरीरेण ऊर्जस्विनः, शरीर से बहुत ऊर्जावान होती हैं, बड़ी शक्तिशाली होती हैं ये जातियाँ। एतत् प्रदेशिकाः बहुभाषी भी समन्विताः, पर्वत परंपरा भी परिपूरिताः, स्वलीला कलाभिश्च निष्णाताः सन्ति। एतत् प्रदेशिका है, यहाँ का प्रदेश बहुभाषा समन्विता बहुभाषाओं से युक्त है, कई भाषाएं हैं प्रदेश में, पर्वत परंपरा भी परिपूरिता पर्वतीय परंपराओं से परिपूर्ण है, स्वलीला कलाभिश्च निष्णाताः सन्ति, और अपनी लीला और कला में निष्णांत है माने पारंगत है, कला की दृष्टि से भी बड़ा सुंदर है। मालती कहती है महोदय तत्र तु बांस वृक्षा भी प्राप्यन्ते, वहाँ तो बांस के वृक्ष भी पाए जाते हैं। अध्यापिका आम हाँ, प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यं वर्तते, इस प्रदेश में हस्तशिल्प की बहुलता है, हाथ की कलाकारी की बहुत बहुलता है माने अधिकता है। आ वस्त्राभूषणेभ्यः, यहाँ वस्त्र आ का मतलब लेकर के, वस्त्र आभूषण से लेकर के गृह निर्माण पर्यंतम प्रायः वंश वृक्ष निर्मितानां वस्तूनां उपयोगः क्रियते, वस्त्र आभूषण से लेकर के घर निर्माण तक प्रायः बांस के वृक्षों से बनाई गई वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। यतो हि अत्र वंश वृक्षाणां प्राचुर्यं विद्यते, क्योंकि यहाँ बांस के वृक्षों की प्रचुरता है। संप्रतम वंश उद्योगो अयम अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिम तो अस्ति, आज बांस का उद्योग यहाँ अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि को प्राप्त हो गया है। अभिनव कहता है भगनी प्रदेशो अयम बहु आकर्षक ज्ञायते, बहनों का प्रदेश बड़ा आकर्षित लगता है। सलीम कहता है किम भ्रमणाय भगनी प्रदेशम अयो समीचीनः, तब तो हमें बहन के प्रदेश में घूमने जाना चाहिए। सर्वे छात्रा ऊंचे स्वर में कहते हैं महोदय हे महोदया आगामिन अवकाश व्यय तत्व
गंतुम इच्छामः, अगले अवकाश में मैं वहां जाना चाहता हूँ। सुरा कहती है भवत अपि अस्माभिः साधनं चलतु, आप भी मेरे साथ चलिए।